Hello friends, and welcome back to your favorite YouTube channel, ProSecurities, by your friend, by your mentor, Himanshu Miglani. So friends, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ. उस इंडिकेटर का यूज़ आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी पिछली वीडियोस जो भी अपने चैनल पे डाली हैं, जितने भी एनालिसिस मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड किए हैं, मोर देन 150 तो वीडियोज़ हैं चैनल पर, तो आप देख सकते हैं. तो मैं मेजरली किस इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ उसमें, उस इंडिकेटर का नाम है RSI इंडिकेटर. ठीक है जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द फुल फॉर्म. सो RSI इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, बट उसका जो करेक्ट यूज़ है वो अभी तक बहुत कम लोगों को पता है. सो इस वीडियो में मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका यूज़ करके आप RSI इंडिकेटर के थ्रू बाइंग सिग्नल, सेलिंग सिग्नल जनरेट कर पाएंगे. आप समझ पाएंगे कि आपको किस शेयर के अंदर किस टाइम क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए, किस साइड की पोजीशन लेनी चाहिए. ठीक है जी, सो इस वीडियो को क्या करेंगे, आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी नॉलेज, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी. ठीक है, सो अब मैं आप क्या करता हूँ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जल्दी से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर. वहाँ पर आप चीज़ें अगर नोट डाउन करना चाहते हैं सो यू कैन नोट इट डाउन. आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आएंगी, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि अभी तक जो आपके माइंड में लोगों ने डाला है ओवरबोट जोन, ओवरसोल्ड जोन, इसके बारे में बहुत से मिथ होंगे आपके माइंड में, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि RSI इंडिकेटर आपको एग्जैक्टली क्या सिग्नल्स देता है, एंड वो चीज़ें प्रैक्टिकली मैं चार्ट्स पे भी दिखाऊँगा आपको. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसमें आई एम गोना टेल यू अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू RSI इंडिकेटर. ठीक है जी, तो आ जाइए जल्दी से स्क्रीन पे. सो फ्रेंड्स, ये हमारा नोट पैड तैयार है, बात करने वाले हम RSI इंडिकेटर के. ठीक है जी, अब थोड़ा सा इसको ब्राइट कर लेते हैं यहाँ से. सो जैसा कि मैंने आपको बताया RSI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ठीक है, सो आप वर्ड्स पे जाइए, इनके मीनिंग समझिए, आपको खुद समझ आ जाएगी क्या स्टोरी है, क्या ये वर्ड्स समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी, अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मजबूती. ठीक है जी, अगर हम हिंदी में इसको डिफाइन करें तो स्ट्रेंथ मतलब कि हाँ जी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है ये, कितना ज़्यादा मजबूत है, क्या इसके अंदर क्षमता है. तो एक चीज़ तो हम यहाँ से इस फुल फॉर्म से, इस वर्ड से समझ पाए. ठीक है जी, सेकेंड चीज़ आपको समझनी है कि ये एक ऑसिलेटर है. अब ऑसिलेटर क्या होता है उसका मैं आपको बताता हूँ. ऑसिलेटर क्या होता है, जो कि 0 से 100 की रेंज में ही चलता है, ये इसकी रेंज है. ठीक है जी, अब हम जब RSI टूल को यूज़ करेंगे चार्ट्स पे, तो आप देखेंगे वहाँ पे RSI आपको 100 से अबव नहीं मिलेगा. ठीक है, और 0 से नीचे नहीं मिलेगा. सो ये चीज़ क्लियर आपको, फर्स्ट एक ये स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, सेकेंड कि एक ऑसिलेटर है, ये हमेशा आपको 0 से 100 की रेंज में मिलेगा. चलो जी, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या होता है. देखिए RSI इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ. सपोजिंगली ये एक XYZ कंपनी का चार्ट है. ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, अब ट्रेंड में है. अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है, हायर लोज बन रहे हैं एंड हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये आया साइडवेज में. ठीक है जी, यहाँ पे साइडवेज का मतलब कि लोज एंड हाइज जो हैं वो ऑलमोस्ट इसके एक साथ बन रहे हैं, और यहाँ से गया ये डाउन ट्रेंड में. डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये क्या हो रहा है, लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है एंड लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, इधर हायर लो हायर हाई. तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पैटर्न मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ बना के, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर जो होते हैं ना मेरे भाई, इंडिकेटर आर जस्ट टूल्स, वो सिर्फ आपको इंडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, उसको आप अगर सही तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको ये बेसिक ट्रेंड की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, विद ट्रेंड आप इंडिकेटर को कैसे प्ले कर पाएंगे ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी, ट्रेंड आपको पता हो जाएगा तो भैया आप किसी भी इंडिकेटर को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे. अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ जो कि लोगों के माइंड में है सबसे ज़्यादा, क्या RSI का बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है आप चार्ट्स पे लगाएंगे तो यहाँ पे 70 पे एक लाइन होती है और यहाँ 30 पे एक लाइन होती है. ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 0 मिनिमम और 100 मैक्सिमम होता है, बट
ऐसा बोला जाता है या ऐसा मोस्टली लोग मानते हैं कि जब RSI ऊपर से नीचे ट्रैवल हो रहा होता है ऐसे, यानी कि 30 से नीचे चला जाए, तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, और ये जब इसको यहाँ से ऊपर क्रॉस कर दे, 30 से ऊपर क्रॉस कर दे, तो आपको बाय करना चाहिए, ये बाय सिग्नल होता है, ठीक है। ऐसा जनरली बोला जाता है, बट ऐसा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जो आपको बताऊँगा वो आपको सामने दिखाऊँगा प्रैक्टिकली, एंड उससे आप समझ पाएंगे मेरे भाई एक्चुअल चीज़ है कि आपको समझना क्या है, आपको करना क्या है। क्योंकि फर्स्ट चीज़ मैंने आपको समझाई थी, फर्स्ट वर्ड जो मैंने आपके माइंड में डाला था, पहली चीज़ वो क्या था, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है भैया, बताया था ना, पावर। तो स्ट्रेंथ अगर किसी शेयर की कम होगी, और वो कम स्ट्रेंथ वाले शेयर अगर यहाँ पे कोई सिग्नल दे रहा होगा 30 से ऊपर भी, तो क्या मुझे इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, तो पहला इशारा, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरी चीज़ क्या बोली जाती है कि हाँ अगर ये 70 से ऊपर निकल जाए, ठीक है जी, तो ये हो जाता है आपका ओवर बॉट जोन, और ये होता है सेलिंग सिग्नल, या बोलते हैं कि ऊपर से जब नीचे काटे ऐसे तो सेल कीजिए। पता नहीं क्या क्या मिथ बोले तो कुछ भी स्टोरी सुना के, कुछ भी बता के आपको आपके दिमाग में एक चीज़ सेट कर दी, ताकि आप लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट ना निकाल पाए, ठीक है जी। और मेरा क्या मोटिव है कि भैया आप खुद अपने आप को एजुकेट करें अच्छा खासा, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाले। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ आपको, अब मैं आपको लेके जाऊँगा चार्ट्स पे, मैं आपको बेसिकली समझाऊँगा विद प्रूफ विद लॉजिक के ये जो स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो है, इसकी स्ट्रेंथ का यूज़ करके भैया हम कैसे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उस चीज़ के लिए पहले आपको कुछ लेवल्स नोट करने हैं, तो आप नोट कर सकते हैं RSI की जो बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ होती है वो होती है 14 पीरियड्स की बोल लीजिए, 14 डेज़ की बोल लीजिए, ठीक है जी। सो RSI टूल हम जब लगाएंगे तो हमें दिख जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैंने आपको बताया चार्ट्स पे 30 एंड 70 वो सेट होती है। तो हमें क्या करना है भैया, हमें अपनी वैल्यू सेट करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ जो है हम 14 ही लेंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसको हम 60 एंड 40 में कन्वर्ट कर देंगे। ये मैं आपको अभी चार्ट्स पे ले जाके दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ हम ये करेंगे, ठीक है जी। और सेकेंड चीज़ प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा कि आपको बाइंग सिग्नल या बाइंग इंडिकेशन, जैसे कि ये इंडिकेटर है तो ये इंडिकेट करता है ना, तो ये बाइंग इंडिकेशन कहाँ दे रहा है और सेलिंग इंडिकेशन कहाँ दे रहा है, ठीक है। सो उसके लिए हम चलते हैं फटाफट से चार्ट्स पे। यहाँ पे मैंने चार्ट लॉगिन किया हुआ है, अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 7 बजे अभी, और आज डेट है 20th मार्च। तो यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट में और कुछ तो है नहीं अपने पास करने के लिए, बट यहाँ पे गोल्ड का चार्ट तो आपको नज़र आ रहा है, ये गोल्ड का कॉमिक्स का चार्ट है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। सो लाइव भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिकली प्रूफ कराऊंगा कि भाई ये RSI इंडिकेटर कैसे आपको बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स दे सकता है, जो कि आप आराम से पकड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यूज़ क्या करना है, अगर थोड़ा सा आप याद रखेंगे पॉइंट्स जो मैं बताता हूँ, नोट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे, आपको हमेशा ट्रेंड का देख के चलना है कि भैया ट्रेंड किस साइड को चल रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स सामने आप देखिए, आपके सामने RSI इंडिकेटर ऑलरेडी प्लॉट है, यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट है, और हमेशा की तरह जो मैं यूज़ करता हूँ एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 डे की, जो कि हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड बताती है। यहाँ पे मैंने गोल्ड कॉमेक्स का अर्ली चार्ट ओपन किया हुआ है 1 आवर का, आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं 1 आवर इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है, कि बाइंग सिग्नल कहाँ है और सेलिंग सिग्नल कहाँ है, मुझे वो जनरेट करना है। मुझे कोई ऐसा श्योरिटी से ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड लेने के लिए मेरे पास और भी बहुत टूल्स हैं और भी बहुत स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मैंने आपके साथ चैनल पे शेयर की हुई हैं ऑलरेडी, बट मुझे इस इंडिकेटर से सिर्फ इसकी इंडिकेशन समझनी है जी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। अब आप देखिए, जैसा कि सो कॉल्ड मिथ जो है जिसमें बताया जाता है हमें कि भैया जब ये 80, ये देखिए 70 का लेवल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्लॉट है, ये 70 है, ये 30 है, ठीक है जी, और आपको दिख रहा होगा कि नीचे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये 0 की आएगी एंड टॉप जो होगा यहाँ पे 100। अब ये 70 के ऊपर गया तो यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोला जाता है कि भैया इसको आप क्या करो, सेल कर लो, ठीक है जी। अब आप यहाँ से ऊपर आओ, देखो ज़रा यहाँ पे कहीं सेलिंग के कुछ इंडिकेशंस आए हैं यहाँ पे चार्ट्स पे। चार्ट आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो मैं एक बार इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अब स्टोरी देखिए यहाँ पे। सो इस स्टोरी में क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे भैया यहाँ से ये ऊपर गया,
ठीक है जी, RSI ने ऊपर करा, चलो जी ये मान लेते हैं। अच्छा ये भी बोला जाता है ना कि चलो ऊपर गया, अच्छा नीचे क्रॉसओवर दिया, अब तो नीचे भी आ गए, यहाँ से क्रॉसओवर दे दिया ना, देखो 70 से नीचे आ गया, बट क्या ये ऊपर जो हमें चार्ट्स पे दिख रहा है ये नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है या ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है? ठीक है, मैथ क्लियर कर रहा हूँ, पहले आपकी माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आप देखिए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर नज़र मारें भैया, इधर देखो ये जो एरिया है, यहाँ पर RSI ने क्या दिखाया, नीचे गया यहाँ से ऊपर आया, ठीक है जी, यानी कि इस लेवल में हमें बाइंग कर लेनी चाहिए थी। लो जी हमने बाइंग कर ली, उसके बाद क्या हुआ यार, कहानी तो कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पे। हम तो RSI को फॉलो कर रहे हैं बट सिग्नल जो मिल रहे हैं वो अपने को सही नहीं मिल रहे हैं। तो सही सिग्नल कैसे मिलेंगे ऐसे? अगर इतना आसान होता मेरे भाई, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको मिल जाती तो सभी लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट ना कर लेते, ठीक है? तो माइंड मत कीजिए, बट मैं आपको अब समझाता हूँ यहाँ पर आपको करना क्या है। आपको मैंने क्या बताया था कि लेंथ जो है उसको हम 14 ही रखेंगे, स्टाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे अपर बैंड को चेंज कर देंगे 60, लोअर बैंड को चेंज कर देंगे भैया हम 40, और उसे हम कर देंगे सेव। ठीक है, सेव करने से पहले एक बार इसकी जो लाइन है उसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, ओके, एंड दैट्स इट। चलो जी ये हमने सेव कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या सिग्नल्स देखने हैं भैया यहाँ पे, जो मुझे समझ आते हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि RSI जो होता है वो क्या बताता है हमें, एक किसी भी शेयर की स्ट्रेंथ। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे भाई, अगर ये स्ट्रेंथ का एक रेंज मार्क कर लिया मैंने 40-60, किस लेवल पर जाके स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? 40 में शेयर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या 60 में शेयर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है ना 60, यानी कि 60 पे जब शेयर है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और 60 से ऊपर निकल जाएगा दैट मीन्स कि स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा है। अब इसको आप ओवरबॉट या ओवरसोल्ड से कंपेयर करके कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? मुझे शेयर की स्ट्रेंथ पकड़नी है क्योंकि ये जो इंडिकेटर है स्ट्रेंथ बताता है। अब सेकेंड चीज़ क्या है भैया, कि अगर कोई शेयर जिसकी स्ट्रेंथ वीक हो रही है, 60 से होता होता 50-40 आ गया है और उसके भी नीचे जा रहा है, वापस से यहाँ पर आ रहा है, और एक ऐसे लेवल पे बाइंग कर लूँ जहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है 50% से भी बिलो है, इवन यहाँ तो 30 के उस पर बोला जाता है कि बाइंग कर लो आप, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जिस चीज़ के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अपसाइड है, आप उसमें ही तो बाई करेंगे, ठीक है जी, या जिस चीज़ में स्ट्रेंथ जो है वो लो है, ठीक है, वो एक एवरेज पॉइंट से भी नीचे जा रही है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें सेल करोगे, ठीक है जी। अब आपको दिखाते हैं हम चार्ट्स पे ये चीज़ें कैसे, ये हमने लगा दिया ऊपर 60 का, ये हमने लगा दिया 40 का, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ देखनी है जहाँ पे 60 के ऊपर निकलता हुआ कैंडल आपको मिलेगा। इसको आप प्रैक्टिकली अर्ली और 30 मिनट्स दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इसको एज अ सिग्नल यूज़ करता हूँ। अब ये देखिए जी यहाँ पे हम 30 मिनट्स पे आ गए, ठीक है जी, 30 मिनट चार्ट पे आपको बहुत सी प्यारी प्यारी स्टोरीज मिलेंगी, बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलेंगी। एक लाइव मार्केट के अंदर भी मैं आपको इसका वो दिखाऊंगा, ये देखिए अब यहाँ पे लाइव ही देख लेंगे, चलो लाइव पहले बाद में दिखाएंगे आपको, इधर दिखाते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, ये देखो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पिक कर लेता हूँ जी, वर्टिकल लाइन पिक कर ली, ये यहाँ पर दिखा रहा है ऑलमोस्ट इस कैंडल के अंदर, ये वाली कैंडल के अंदर, इसके अंदर जो है यहाँ से क्रॉसओवर हो गया था 60 के ऊपर, तो इस कैंडल पे यानी कि इस लेवल पे जो कि है 1510 का, यहाँ पे इसने मुझे बाइंग सिग्नल दिया है मेरे भाई, बाइंग सिग्नल दिया है, सेलिंग नहीं दिया, क्योंकि आप उसके बाद देखेंगे 1510 के बाद जो है इसके अंदर यहाँ तक 1550 तक इसने हाई लगाया है मेरे भाई। सो 1510 से लेकर 1550 की रैली, अगर मैं इसको ऐसे फॉलो ना करता, अगर मैं इसको वाइसा वर्सा जो एक मिथ सो कॉल्ड जो आपको बताई गई है कि भैया ये ओवरबोर्ड जोन में है, इसको नहीं खरीदना, इसको बेचना है, और अगर मैं इसको यहाँ गलती से बेच देता तो आप देखेंगे स्टॉप लॉस क्या, मेरा अकाउंट खाली हो जाता, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है कि आपको 60 से अबव जब सिग्नल मिल रहा हो, 60 से अबव, 30 मिनट से नीचे नहीं जाएंगे आप, 30 मिनट या अर्ली चार्ट यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए, 30 मिनट इज़ बेस्ट, इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर लॉन्गर टाइम परस्पेक्टिव अर्ली इज़ बेस्ट, ठीक है जी, या आप 2 आवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे, बट ट्रेडिंग वालों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। सो आप 30 मिनट्स यूज़ करके इसके ऊपर ऐसे एक बाइंग सिग्नल देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक बताया आपको,
वापस से लिख रहा हूँ ताकि आप भी ये पॉइंट्स जो है नोट कर पाएँ, ठीक है जी। फर्स्ट क्या बाय सिग्नल जैसे ही RSI इज ग्रेटर देन 60, RSI ग्रेटर देन 60 इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया बाइंग। अगर हम मुझे सेलिंग करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, सेलिंग के लिए भी आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। पहले देखते हैं हम कि सेलिंग अपने को कहाँ दिखी। नीचे का लेवल आपको मैंने कहाँ मार्क करवाया था, 40 का, ठीक है जी। तो 40 का लेवल मार्क कराया था, अब हम देखते हैं 40 इससे पहले भी देखो हमने यहाँ पे 40 के बिलो मिला है, इसके बाद भी मिला है। अब आप दोनों पे जाके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर आता तो ये यहाँ कहीं मुझे सेलिंग सिग्नल जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये लेवल है ऑलमोस्ट अगेन, मैं वापस से बात करूँ तो 1510 का, 1510 का। एंड यहाँ से आप देखेंगे अगर कंटिन्यूएशन में तो ये शेयर, अब आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे यहाँ पे ये चीज़ देख के कि भैया नीचे गया वापस से ऊपर आ गया, नीचे गया वापस से ऊपर आ गया, क्योंकि बाइंग इसके अंदर कहाँ आएगी, स्ट्रेंथ बाइंग की जब आएगी जब ये 60 क्रॉस कर देगा। सिंपली समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो टूल है इसका यूज़ करके आप यहाँ पे सिग्नल्स फाइंड कर सकते हैं, और जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस होंगे वो इसके थ्रू नहीं आएंगे। इसके थ्रू आपको सिर्फ ये मिलेगा कि भैया यहाँ पे स्ट्रेंथ वीक हो रही है तो मैं यहाँ सेल कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे 1410 1415 के लेवल पे सेल करते हैं तो आप देखेंगे ये आया था 1487 1490 मान लीजिए, 1490, यानी कि आपको फिर $20-25 की डाउनसाइड मूवमेंट यहाँ पे मिल गई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते जाइए, अगर सो कॉल्ड मेथ की अकॉर्डिंग में यहाँ पे इसके अंदर बाय कर लेता, यानी कि जैसे ये क्रॉसओवर दिख रहा है नीचे से, अभी तो मैंने 40 लेवल मार्क किया हुआ है, 30 तो करीब यहाँ पे आएगा, तो 30 के ऊपर गया यहाँ मार्क किया, अब इसके बाद देखो शेयर के अंदर मूवमेंट क्या हो रही है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा, अब ये आते हैं हम लाइव करंट सिनेरियो देखते हैं भैया, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो क्या दिखा रहा है ये। यहाँ पे इसने दिखाया 60 के ऊपर गया कि भैया मुझे ख़रीद लो, यानी कि इस कैंडल के अराउंड ये है ऑलमोस्ट 1480 का 1490 का लेवल, 1490 दिखाया आपको। अब आपने 1490 पे अगर इसके अंदर बाइंग किया होता तो आपको कहाँ तक राइड करने को मिल गया था, 1515, ठीक है जी। फिर मिल गया आपको 25 पॉइंट का इंट्राडे के अंदर मूवमेंट। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये सेलिंग जो है ये आ रही है इसके अंदर, तो क्या ये करेक्ट टाइम है ऊपर से नीचे भी सेल करने का, नहीं मेरे भाई, करेक्ट टाइम क्या होगा जब ये यहाँ पे 40 को क्रॉस कर देगा नीचे, ठीक है जी। 40 के नीचे अगर बिलो चला गया दैट मीन्स स्ट्रेंथ ख़त्म, बाइंग स्ट्रेंथ ख़त्म, ठीक है जी, बाइंग स्ट्रेंथ ख़त्म। तो हम क्या करेंगे, अब हम सेल कब करेंगे, व्हेन RSI इज बिलो 40 देन सेल, ठीक है जी। सेल कब करना है, जब RSI, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझे RSI लिखना था, सो सेल व्हेन RSI इज बिलो 40 इन 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये आपको यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स दे सकता है भाई। अब टारगेट एंड स्टॉप लॉस वो आपको खुद से काम करके फाइंड करने पड़ेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करूं कि आप इसका यूज़ करके विद RSI क्या चीज़ का यूज़ करें जिसमें आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों मिल जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा आपको वीडियो को लाइक। सो इस वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है, ज़्यादा नहीं भाई, बस थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं हम 500 लाइक्स, दैट्स इट। 500 लाइक्स अगर इस वीडियो पे आ जाएंगे दैट मीन्स आपको जो है उस चीज़ की नीड है जो कि आपको चाहिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए, एंड वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो भी मैंने आज समझाया RSI इंडिकेटर को लेके, ये ऑसिलेटर जो जैसे काम करता है, क्या इसका करेक्ट वे ऑफ यूज़ है, कैसे आपको बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स मिल सकते हैं इसमें, ठीक है जी, वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी आई गेस। अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, जो चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हैं उसको नोट डाउन करके उनको प्रैक्टिकली जाके आप चार्ट्स पे देखिए, 30 मिनट चार्ट यूज़ कीजिए, जहाँ आप यूज़ करेंगे देखेंगे आपको समझ आ जाएंगी ये चीज़ें, ओके। सो अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, और वीडियो लाइक क्यों करना है, वीडियो के ऊपर मैंने 500 लाइक्स का एक टारगेट रखा है छोटा सा, वो इसलिए रखा है क्योंकि आप जब इतना लाइक करेंगे तो मैं आपको एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी और बताऊंगा इसी के अंदर कि RSI का यूज़ करके ही आप कैसे इसके अंदर जो है टारगेट एंड स्टॉप लॉस इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन में रख के आप इसके अंदर टारगेट एंड स्टॉप लॉस फाइंड करेंगे, और आपको किस साइड का ट्रेड लेना है, कब लेना है,
वो सब मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, अभी वीडियो को देंगे थम्स अप, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज नोटिफिकेशन वीडियो को तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई। तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।